जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मेहनत करते हुए नहीं थक रहे हैं और देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता अभियान पर खर्च करने के लिए तत्पर हैं, तो वहीं कुछ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान को पतीला लगाया जा रहा है। मामला है हमीरपुर जनपद के मोहदा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिजनोड़ा का, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के बाहर और चंद कदमों की दूरी पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बगल में ही प्राथमिक विद्यालय है, जिसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी सीधा पड़ने की संभावना है। जबकि विद्यालय की शिक्षा मित्र ने बताया कि बच्चों को आने जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अक्सर बच्चे दूसरे रास्ते से आते जाते हैं। इस बारे में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन होता कुछ नहीं है, जबकि बच्चों के बीमार होने की संभावना भी बनी रहती है। एबी लाइव न्यूज के लिए हमीरपुर से संवाददाता कमरुद्दीन के साथ ज्योति वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शांति देवी। जी, इसके बारे में कंप्लेन नहीं थी? जी सर, हमने सफाई कर्मियों से तो कहा है सफाई करने के लिए, और बाकी चीज़ें बहन जी अपना जानेंगी, वो है नहीं तो वही समझ सकती हैं। लेकिन ये तो गंदगी हमेशा रहती है ना? गंदगी रहती है, सफाई करती है, गांव वाले लोग अपना डालते हैं। हाँ, दो कर्म सफाई कर्मचारी हैं, वो अपना जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। दो लोगों का आप तो काम रहने दिया, ये तो चलेगा, अभी सब पूरे इसके बारे में कंप्लेन नहीं की। अब ये जानकारी तो मुझे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विद्यालय की बाहर की अव्यवस्थाएँ हैं। हम लोग कहते भी हैं लोगों से कि सफाई करवाइए, लेकिन पूरे गांव का जितना ही मोहल्ले आसपास के लोग हैं, वो सब लोग जाके वहीं पे अपना गोबर डालते हैं। बरसात के दिनों में तो और ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जाती है। दिक्कत होती है अपना, जिसको ज़्यादा समस्या हुई तो अपना दूसरे सड़क से आ गए, नहीं इधर से आए। हम लोगों को भी समस्याएं, गांव के अंदर जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, बुलाने के लिए, तब और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है आपका? शांति देवी। आपका? जी, मैं शिक्षा मित्र। प्रधानाध्यापक? चित्र सिंह, प्रधानाध्यापक। कहाँ की हैं?